वेलकम इन्वेस्टर स्टॉक इन द न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का डेट है 13 अक्टूबर 2020 और आज हम रेमंड के स्टॉक को टेक्निकली एनालिसिस करेंगे। उसके पहले हम एनालिसिस करते हैं फंडामेंटल्स का, क्योंकि किसी भी स्टॉक के मूवमेंट में प्राइस एक्शन में जो वेट होता है वो 60% वेट होता है उसके फंडामेंटल्स का। इसलिए हम हमेशा जब भी स्टॉक का कोई भी एनालिसिस करते हैं तो कम से कम हल्के से एक नजर हम क्वार्टरली रिजल्ट पर उस स्टॉक के देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेमंड के जो फंडामेंटल्स की अगर हम बात करें तो रेमंड का मार्केट कैपिटल है 1851 करोड़ का और आरओई है 7.97% और स्टॉक का पी रेशियो का जो डेटा है वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है और डेट टू इक्विटी की बात करेगी सबसे पहला क्वेश्चन मार्क 1.25% बहुत ज्यादा है। सेकंड क्वेश्चन मार्क यहाँ पर आ जाता है डेट के ऊपर जो है 2975। कंपनी का मार्केट कैपिटल कितना है 1851 और कंपनी के ऊपर कर्जा या लोन जो हम कहते हैं वो कितना है 2975, यानी कंपनी के मार्केट कैपिटल से ज्यादा। अगर हम यहां पर एक नजर डालेंगे कंपनी के जो कंपाउंड सेल्स ग्रोथ के जो नंबर्स है, टारगेटेड ईयर की बात करेंगे तो -23% का इनका सेल्स का ग्रोथ है। आफ्टर 3 ईयर 7% ग्रोथ हो सकता है, आफ्टर 5 ईयर्स 4% ग्रोथ हो सकता है और 10 इयर्स के लिए इन्होंने 10% ग्रोथ कंपनी का हो सकता है। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर रहे हैं तो इसमें सेल्स के नंबर अगर देखेंगे 2016 से 2020 तक तो हमें यहाँ पर सॉरी 16 से मार्च 2019 तक तो हमें यहाँ पर ईयर बाय ईयर अच्छा सेल्स में ग्रोथ दिखाई दे रहा था, लेकिन मार्च 2020 से हम देख पा रहे हैं सेल्स के नंबर्स में गिरावट दिखाई दे रही है। वही हमको यहाँ पर 2016 से 384 के जो नंबर है इंक्रीज होते 569 तक आ चुके थे मार्च 2019 तक, और मार्च 20 की अगर हम बात करें तो 516 से ये नंबर 143 तक डाउनग्रेड या रिवर्स या माइनस में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वही हमको इम्पैक्ट दिख रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो 7 से इंक्रीज होकर 9% तक आया था मार्च 19 तक, और वो मार्च 2020 से 8% से माइनस होके गिरावट हमें देखने को मिल रही है 3% तक। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था 16 में वो 85 से इंक्रीज होके 196 तक बढ़ चुका था मार्च 2020 तक, लेकिन अगर टारगेटेड ईयर की बात करें तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, कंपनी का नेट प्रॉफिट माइनस में जा चुका है या जा सकता है। और अगर हम ईपीएस की बात करें तो जो ईपीएस इनका 4% से इंक्रीज होकर 30% तक बढ़ चुका था वो ईपीएस भी हमें -2.54% दिखाई दे रहा है। अब एक हल्के सी नजर हम डालेंगे क्वार्टरली रिजल्ट पे, जून के क्वार्टरली रिजल्ट हमारे पास है, हम उन नंबर्स को यहाँ पर देख लेते हैं। 18 के नंबर्स 1251, 19 के नंबर 1435 और 2020 जून 2020 के नंबर 163। कहाँ पर 1435 के सेल्स के नंबर और कहाँ पर 163। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी अगर हम देखेंगे तो 8% का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था वो माइनस हो चुका है 154%, और यही साइकिल और यही इम्पैक्ट हमें हर चीज पे दिखाई दे रहा है। अब बात करें हम चार्ट के लॉन्ग पैटर्न की तो वो भी हम यहाँ पर देख लेते, एक नजर उस पर डाल देते। अगर हम देखेंगे तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रखते तो एक समय में जो अच्छा खासा अप ट्रेंड हुआ करता था जो 1124 पे जिस स्टॉक ने ट्रेड किया था 18-19 के पीरियड में, आज वही स्टॉक का जो मंथली ट्रेंड है वो डाउन हो चुका है, और जैसे कि हम देख पा रहे हैं अभी भी मंथली ट्रेंड डाउन है। अब चलते हैं हम चार्ट्स पे और चार्ट से हम स्टार्ट करेंगे हमारा टेक्निकल एनालिसिस, जिसका एक सिंपल सा बेस होता है डिमांड और सप्लाई का। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि किस तरीके से जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है, और यहाँ पर हमें बहुत ज्यादा ये मंथली चार्ट है और मंथली चार्ट पे हमें सेलिंग का प्रेशर बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। अगर हम कोरोना इम्पैक्ट की बात करें और उसके बाद की जो रैली हमें हर एक स्टॉक में देखने को मिली
उस प्रकार की रैली हमें इस स्टॉक में नहीं देखने को मिली। और यहाँ पर देखिए कंसोलिडेशन वाला जो स्टेज है वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो मैंने एक रेड कलर का रेक्टेंगल ड्रॉ किया हुआ है, ये एक मंथली सप्लाई है जो एक तगड़ा सप्लाई है और 771 से 644 पे खड़ा है। अब चलते हैं हम वीकली चार्ट पे, और वीकली चार्ट की हम अगर बात करें तो वीकली चार्ट पे हमें ये स्टॉक एक नैरो रेंज में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। जैसे कि मैंने आपको कहा, एक हल्का सा जो लोअर हाई बनाया, फिर यहाँ पर एक हल्का सा लोअर हाई और यहाँ पर एक कंसोलिडेशन वाला स्टेज। यहाँ पर मैंने एक रेड लाइन ड्रॉ किया हुआ है और एक ग्रीन लाइन। तो उसके लिए चलते हैं हम डेली चार्ट पे, और डेली चार्ट पे समझने की कोशिश करेंगे कि वो लाइंस का क्या मीनिंग है। अभी जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं ये डेली चार्ट है। डेली चार्ट को मैं हल्का सा और छोटा कर देता हूं। तो यहां पर देखिए आप स्क्रीन पर हम पूरे जो दोनों लाइंस है वो देख सकते हैं। ये जो रेड लाइन है एक रेजिस्टेंस एरिया है, जिस तरीके से स्टॉक कई दिनों से ट्रेड करता हुआ हमें नजर आ रहा है। और ये नीचे जो मैंने ग्रीन लाइन ड्रॉ किया हुआ है एक सपोर्ट एरिया है। स्टॉक का प्राइस नीचे आने के बाद यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर जाने की कोशिश हमें करता हुआ दिखाई दिया था पिछले पॉइंट से, और उसके बाद जैसे कि हम देख पा रहे हैं फिर से एक कंसोलिडेशन वाला स्टेज हमें ऑन डेली चार्ट पे दिखाई दे रहा है। जब हम डेली चार्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एक तगड़ा सप्लाई है जो 312 से लेकर 301 का है। एक 10-11 रुपए का, 10 से 11 रुपए का ये डेली सप्लाई है, और इस सप्लाई के इम्पैक्ट के वजह से यहाँ पर एक फ्रेश सप्लाई क्रिएट हुआ है। इस सप्लाई की वजह से हम देख पा रहे हैं कि स्टॉक का प्राइस नीचे आया, स्टॉक ने ऊपर जाने की कोशिश की, और इस सप्लाई यहाँ पर जो अभी भी अच्छा खासा सप्लाई खड़ा है उस सप्लाई की वजह से हमें स्टॉक में और एक लोअर लो देखने को मिला। उसके बाद भी एक रैली के साथ स्टॉक ने ऊपर जाने की कोशिश की और यहाँ पर एक कंसोलिडेशन वाला स्टेज चला 6 ट्रेडिंग सेशन तक ऑन डेली चार्ट पर। और उसके बाद भी सप्लाई इतना तगड़ा है कि ये स्टॉक इस सप्लाई की वजह से जो सप्लाई क्रिएट हुआ है ऑन डेली बेसिस के इसके ऊपर किसी प्रकार का क्लोजिंग या स्टॉक जो है सस्टेन नहीं कर पाया। और अभी भी हम देख पा रहे हैं कि सप्लाई की वजह से स्टॉक का जो प्राइस है वो नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप मिड टर्म या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है तो मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा ओपिनियन है, कि जिस स्टॉक का हायर टाइम फ्रेम का जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है, तो ऐसे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से हमें दूर रहना चाहिए। तो ये था सिंपल सा सपोर्ट रेजिस्टेंस बेस्ड डिमांड सप्लाई बेस्ड टेक्निकल एनालिसिस। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।